जय माता दी। मैं ईशा, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माता की चौकी में। जैसे कि मैंने आपको कल माँ देवी के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री के बारे में बताया था और उनके रूप के दर्शन कराए थे, ऐसे ही आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के रूप के लिए जाना जाता है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। ब्रह्म का अर्थ तप और चारिणी का अर्थ आचार्य करने वाली। तप का आचरण करने वाली देवी के रूप में माँ भगवती दुर्गा के तृतीय स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप और घोर तपस्या की। देवी दुर्गा के तपस्वी स्वरूप के दर्शन पूजा से भक्तों और साधनों को अनंत शुभ फल प्राप्त होता है और भक्तों में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए। दादी, मैं ईशा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। भक्तों माता के दर्शन के लिए काफ़ी बेचैन और व्याकुल नजर आए। आज हम वजीरपुरा सीताराम प्राचीन मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर काफ़ी, हमने दर्शकों से बात की तो मंदिर काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। मंदिर काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है और जो मंदिर की नक्काशी है पत्थर के ऊपर बनी हुई है। मंदिर के महंग जी से बात करेंगे कि मंदिर कितने वर्ष पुराना है और मंदिर का हम इतिहास जानेंगे। चलिए आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमें प्रातः दर्पण न्यूज़ में। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वावाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्यम शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंदिर करीब 350-400 वर्ष पुराना मंदिर है और इस मंदिर में प्राचीनता आपको देखने को मिलेगी कि पत्थरों में नक्काशी का कार्य भी हो रहा है। और मंदिर में सीताराम जी की अष्टधातु की मूर्ति थी, कुछ समय पहले वो चोरी हो चुकी है, उसकी जगह नए पुनः प्राण प्रतिष्ठा सीताराम जी की मंदिर में कराई है। दक्षिणमुखी हनुमान जी का भी मंदिर है जो सभी भक्तों की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण करते हैं। और माँ जगत जननी पीताम्बरा जो शत्रुनाशिनी हैं वो कुछ ही समय पहले, आज से 3 माह पहले ही यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित की गई है। ये उत्तर प्रदेश में पहला मंदिर है जो माँ पीताम्बरा का यहाँ स्थापित है। माता का हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष से लगातार हवन किया। हवन पूजन करने के पश्चात माता का हम लोगों को स्वप्न में दर्शन भी हुए कि आप यहाँ पर प्रतिष्ठा, किसी तरीके से प्रतिष्ठा करवाइए मंदिर में। इस तरीके से सपना हम लोगों को आते रहते थे। 5 वर्षों के बाद हम लोगों ने यहाँ माता की प्रतिष्ठा करवाई है। जी पंडित जी, ये आप पीताम्बरा माँ के मंदिर कहाँ कहाँ आगरा में अब भारत में स्थित हैं? जी, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में माँ पीताम्बरा का मंदिर बना हुआ है और नलखेड़ा मध्य प्रदेश में ही है, वो भी वहाँ पे मंदिर बना गया है। और हिमाचल में भी माता का मंदिर बना गया है। भारत की ये 3 जगह हैं यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। चौथा मंदिर हम लोगों ने आगरा में यहाँ स्थापित किया है। पंडित जी, आपको दर्शकों का कैसा स्नेह मिल रहा है इस मंदिर को लेके और भक्त लोग दर्शन के लिए किस तरीके से उमड़ रहे हैं, ये आप हमें विस्तार से समझाइए। माँ बगलामुखी 8वां रूप है माँ पार्वती का, इसे अष्टम विद्या भी कहा जाता है। और ये शत्रुविनाशिनी है, शत्रुविनाशिनी मैया है। इनका जो महामंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र से आप जान गए होंगे कि जो दुष्ट को विनाश करने के लिए, शत्रुओं के नाश करने के लिए माँ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे भक्तों का तांता लगता है और भक्त लोग यहाँ पर आके मंदिर के दर्शन करके जाते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। आइए चलिए हम और लोगों से जानेंगे मंदिर के बारे में, मंदिर की क्या विशेषता है और क्या इसकी मान्यता है, चलिए जानते हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रातः दर्पण न्यूज़ में। सर अपना अपना नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद तिवारी मेरा नाम है। मैं मंदिर के अंदर पूजा करता हूँ, मंदिर में आरती करता हूँ और मंदिर में ही मैं पूरा दिन बिताता हूँ अपना। मैं
मैया की सेवा में लगा रहता हूँ मैं। और यहाँ पर भीड़ का तो क्या कहने क्या है, अपार भीड़ होती है। जब से मैया यहाँ पधारी है भीड़ की कमी नहीं रही है। आए दिन यहाँ पर भीड़ सुबह से लेकर शाम तक बनी रहती है। शाम को ज़्यादातर भीड़ इतनी रहती है कि मैया के दर्शन करने दुर्लभ हो जाते हैं। शनिवार को हवन करते हैं हम लोग मैया की आरती के बाद में, 9:30 बजे बाद हवन करते हैं और 11 बजे तक हमारा फल चलता है। हवन चलता उसके बाद फिर आरती करते, फिर जाके पट बंद होते हैं हमारे मैया के। शंकर जी के जो मंदिर में अष्टभुजा जो छत देखी जा रही है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ और इसके बारे में पंडित जी हमसे क्या बात करते हैं, चलिए। देखिए, अष्टभुजी जो कमल होता है वो माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो मंदिर की छत पे पुराने प्राचीन समय में श्री यंत्र इत्यादि धारण किए जाते थे, तो इसलिए अष्टकमल इसलिए बनाया गया है जो माँ लक्ष्मी का उसमें वास रहता है। भोलेनाथ की शिवलिंग पे अभिषेक के बाद ऊपर अगर हम लोग नेहा जलती हैं तो वहाँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, वहाँ लक्ष्मी का हम दर्शन करते हैं अष्टकमल के द्वारा। ये थी जानकारी देवी ब्रह्मचारी के बारे में। ऐसी ही जानकारियाँ और हम आपको देते रहेंगे, बस बने रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम में, माता की चौकी में।